ठीक है भाई, मैं है ना कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपका SSC, CGL, CHSL ये सारे आपके एग्ज़ाम्स इसमें कवर होंगे। ठीक, अब देखो ज़रा यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश के, कुछ हम लोग बेसिक्स देखेंगे। ये बेसिक्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भाई प्रेफर होंगे, ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं आपके ये। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश अपने आप में होता क्या है? अगर कायदे से मैं देखूँ तो इंग्लिश तो अपने आप में एक वर्ड है। वर्ड कोई भी शब्द जो होता है उसको आप अपने आप में वर्ब बोल सकते हो। दुनिया का कोई भी वर्ड है उसको वर्ब बोल सकते हो। ठीक, वर्ब भी अपने आप में वर्ड होता है। वर्ब को लोग जनरली पढ़ते इस तरह से हैं कि वर्ब एक क्रिया होती है, वो क्रिया व्रिया मत ध्यान रखो उसे, वर्ब एक वर्ड होता है। वो भी ध्यान से अगर मैं देखूँ इसे, तो इंग्लिश भी अपने आप में एक वर्ड है। अब इंग्लिश होती क्या है अपने आप में? एक ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब देखो जरा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने आप में क्या हुई? एक लैंग्वेज हुई। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले क्या बने? लेटर्स बने, लेटर्स बने। लेटर्स के बाद में क्या बने? वर्ड बना। वर्ड से क्या बने? फ्रेज बने। फ्रेज से क्या बने? फ्रेज से बने क्लॉज, और क्लॉज से बनते हैं भाई सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज से क्या बनते हैं? सेंटेंस। यही ये वाली ये बेसिक्स की बेसिक सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे कवर करनी है। सबसे पहले हम अगर ध्यान से देखें तो लेटर्स, लेटर्स से मिलकर क्या बना? वर्ड। वर्ड से मिलकर क्या बने? फ्रेज। फ्रेज से मिलकर क्या बने? क्लॉज। और क्लॉज से मिलकर क्या बने? यहाँ पर सेंटेंसेस बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो, और सेंटेंसेस से मिलकर आप अगर ध्यान से देखोगे तो अपने आप में एक लैंग्वेज क्रिएट होती है, कोई भी एक लैंग्वेज बनती है उससे। अब देखो लेटर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? ए से लेकर हम लोग ध्यान से देखें तो जेड तक होते हैं। ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। ये टोटल लेटर्स कितने हुए? ये हुए भाई 26 लेटर्स। कितने होते हैं ये? 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को दो पार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो पार्ट में किया गया है। पहला होता है भाई वॉयल्स, दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। पहला होता है वॉयल्स, दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो वॉयल्स को, तो ये कौन कौन से हुए? ए, ई, आई, ओ और क्या हुआ? यू। इसे हम लोग यू बोलते हैं लेकिन असल में इसका साउंड ऊ होता है। ऊ, ये यू नहीं होता, ऊ होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे आर्टिकल हम लोग इसे पढ़ते हैं तो आर्टिकल में साउंड के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ए और एन जब हम लोग लगाते हैं वहाँ कन्फ्यूज़ किया जाता है इसके लिए, तो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में आगे। देखो 26 लेटर्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हुआ आपका वोवेल्स, दूसरा हुआ आपका कॉन्सोनेंट्स। 26 में से अगर मैंने यहाँ पे सिंपल 5 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे? 21 बचे। जैसे अगर मैंने बोला बी, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर के, ठीक है, जेड, ये सब अपने आप में क्या हुए? ये सभी अपने आप में कॉन्सोनेंट्स हुए हैं। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा उसको पैरेलल आप लोग नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आप, मैं अभी साइड में हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो और उसको नोट कर लो अच्छे से। देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिर सेकंड वाला जो पार्ट मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया वर्ड। अब मैं यहाँ पे अगर वर्ड के बारे में ध्यान से देखूँ तो वर्ड अगर मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कैट, इसी को अगर मैं लिख दूंगा टी ए सी, ठीक है, तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इसको तो मैं रीड कर पा रहा हूँ लेकिन इसको मैं रीड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यहाँ पर लेटर्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है या लेटर्स का अरेंजमेंट गलत है। इसका मतलब अगर आप लेटर्स का अरेंजमेंट सही लिखते हैं तो वो अपने आप में प्रॉपर वर्ड होगा, लेटर्स का अरेंजमेंट सही नहीं है तो अपने आप में प्रॉपर वर्ड नहीं होगा। इस वजह से मैंने इसको क्या डिफाइन कर दिया? वर्ड डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं अल्फ़ाबेट में, और अल्फ़ाबेट्स में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फ़ाबेट के बारे में बात करूँ तो ये किसी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकता है अल्फ़ाबेट। और ये जो अल्फ़ाबेट मैंने लिखा हुआ है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंट
ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से ये हो सकता है भाई फ्रेंच भी हो सकती है, हो सकता है आपने फ्रेंच सीखी हो सकता है आपको जर्मन भी आती हो सकता है आपको स्पेनिश भी आती हो। तो ये सभी लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने गाना सुना होगा स्पेनिश में टीएमओ जो गाना है, और टीएमओ को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में ही बात की गई है वहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं टीएमओ। ये भी स्पेनिश वर्ड है अपने आप में। और टीएमओ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई आई लव यू, ठीक है। तो यही वही चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी रहती है कि वर्ड, अब होता क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में और जो हम लोगों की जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने आते हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई फॉरेन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। जैसे एक फॉरेन वर्ड का मैंने आपको यूज़ बता दिया स्पेनिश, वो अपने आप में स्पेनिश वर्ड है टीएमओ जो गाना है उसमें यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये आई लव यू बोल रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लो फटाफट, इसके बाद में फिर मैं आपको और बताता हूँ। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि किसी भी अल्फ़ाबेट को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो किसी ना किसी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। अब अल्फ़ाबेट अगर मैं यहाँ पर बोल रहा था, अभी मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी में एस अगर ऐड कर दूँ तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इतने वाले पार्ट के बारे में बात करूँ, सिंपल अल्फ़ाबेट के बारे में बात करूँ, तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो? ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज कलेक्टिवली नॉन एस अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज कलेक्टिवली, अब ध्यान से देखना एनी और क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज का मतलब कोई भी लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हुए? 26 लेटर्स हुए। तो 26 लेटर्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। उन 26 लेटर्स को मैं क्या बोलूँगा? एक साथ में क्या बोलूँगा? लेटर्स नहीं बोलूँगा, ए लेटर हुआ। देखो और डिटेल में मैं अगर आपको बताऊँ, ए बी सी, ये लेटर हुआ, ये लेटर हुआ, ये लेटर हुआ, ऐसे करते करते कितने लेटर्स हुए? 26। अगर मैं यहाँ से कॉमे को हटाता हूँ तो ए बी सी एक साथ में इनको क्या बोलूँगा? इन्हें बोल सकता हूँ मैं लेटर्स। लेटर होगा ए, लेटर होगा बी, लेटर होगा सी, एक साथ अगर मैं बोलूँगा तो क्या बोल दूंगा? लेटर्स। इसी तरह से अगर मैं चलते चले जाऊँ ए से लेकर जेड तक, तो कलेक्टिवली इन सभी को ए से लेकर जेड तक मैं क्या बोल दूंगा? अल्फ़ाबेट बोलूँगा, ना कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स अगर आप बोलोगे तो अलग अलग भाषाओं के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। अब देखो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्लॉज, ये चीज़ें होती क्या है। ध्यान से देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग अगर ध्यान से देखें कि फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज हिंदी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना, ठीक है। आपकी अगर आदत हुई उसे ट्रांसलेट करने की, ठीक है, अगर मैंने बोला रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह रखो तो ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना ही होगा, ठीक है, ध्यान रखो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेज, अब फ्रेज अपने आप में क्या होता है? चलो फ्रेज और सेंटेंसेस एक साथ देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेंटेंस की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेंटेंस की, सेंटेंस क्या होता है? इस सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये होता है अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। इस सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिल सकता है सब्जेक्ट, बताऊंगा मैं सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखा हुआ मिल सकता है आपको मेन वर्ब, इसके बाद लिखा हुआ मिल सकता है आपको ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी हुई मिल सकती हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई अदर वर्ड्स भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। देखो ज़रा ध्यान से,
किसी भी दुनिया के सेंटेंस में दो चीज़ कंपलसरी होती है, पहला होता है भाई यहाँ पर सब्जेक्ट और दूसरा होता है यहाँ पर भाई वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ की सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सेंटेंस में आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको कंप्लीट तरीके से निकलना चाहिए तो ही हम उसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूँ अनुज सर इज टीचिंग मैथमेटिक्स, अनुज सर इज टीचिंग मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इस समय वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इस समय, क्योंकि मैंने क्या लिखा, इज टीचिंग लिखा हुआ है, अनुज सर इज टीचिंग मैथमेटिक्स, इस समय वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अब मैं अगर बोलूँ अनुज सर हैज़ बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस 2014, अनुज सर हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2014, वो कब से पढ़ाते आ रहे हैं, 2014 से लेकर 2020 तक पढ़ाते हुए आ रहे हैं वो। और देखो और सेंटेंसेस बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब इस टाइम पर मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ रोहन वॉज रनिंग इन द गार्डन, तो वॉज के कारण क्या हुआ, पास्ट में बात चली गई, तो पास्ट में वो वहाँ पर दौड़ रहा था। आई हैव, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आई थ्रो दिस मार्कर ऑन दिस वॉल, इस मार्कर को मैंने किस पे फेंका, वॉल के ऊपर फेंका। तो जो भी मैं बात यहाँ पर बोल रहा हूँ वो अपने आप में प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और प्रॉपर मीनिंग कन्वे करने के कारण ही हम उसे क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह विद कंप्लीट मीनिंग, उसका मीनिंग प्रॉपर निकलना चाहिए, उसी को आप क्या बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे। अब अगर आपको, ठीक है, इन चीज़ों को अगर मैं आपको दिखाऊं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये सब चीज़ होंगी क्या, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो रोहन हैज सेंट अ लेटर, रोहन हैज सेंट अ लेटर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आप अगर ध्यान से देखोगे हैज अपने आप में क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, रोहन अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखते हैं, क्यों ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सेंट अपने आप में क्या हुआ भाई, मैन वर्ब हुआ। ठीक है, क्यों ऐसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्यों ऐसे मैन वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है कि इसको क्यों नहीं बोलते हो आप मैन वर्ब, इसे क्यों नहीं बोलते हो हेल्पिंग वर्ब, ऐसा क्यों होता है, ये भी चीज़ हम देखेंगे। सेंट क्या सेंट कर दिया उसने, लव लेटर सेंट किया या सिंपल लेटर सेंड किया। ठीक है, देखो सिंपल लेटर ही सेंड किया है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया ये इसका। तो यही आपका प्रॉपर क्या होता है, सेंटेंस होता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेंटेंस बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो इसको मैं साइड में होता हूँ, इसको आप है ना ध्यान से इसे फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे की कहानी बताता हूँ आपको। अभी हम लोगों ने देखा ये होता है सेंटेंस, अभी हम लोगों ने देखा सेंटेंस। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताऊं, अगर हम लोग इसे देखें स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग इसे अगर देखें, तो पहले आपको लिखा हुआ मिल सकता है सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना जरा, सुनना मेरी बात को, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ अ सेंटेंस, सेंट्रल आइडिया ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको बोलूं विराट कोहली प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया, इसका मतलब ये पूरा के पूरा सेंटेंस जो लिखा है, प्लेस क्रिकेट फॉर इंडिया किसके लिए लिखा है, विराट कोहली के लिए लिखा है, तो विराट कोहली सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब सब्जेक्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वो चीज़ हुई जो अपने आप में सेंट्रल आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है, सेंट्रल आइडिया ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के सेंट्रल आइडिया को आप क्या कहा करोगे, सब्जेक्ट कहते हो उसे। कभी कभी इसे हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, डूअर बोल दिया करेंगे। अभी आप डूअर के पीछे मत पढ़ना, डिटेल में बताऊंगा डूअर होता क्या ही है। ठीक है, लोग इसे कह देते हैं यही सब्जेक्ट है और यही डूअर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत डिफरेंस होता है काफ़ी इसमें। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, तब तक देखते रहो इंग्लिश विद तरुण शर्मा। ठीक है, वीडियोज़ को, सब्जेक्ट और डूअर अपने आप में सेम नहीं होते, कब सेम होते हैं और कब डिफरेंट होते हैं बताऊंगा ये चीज़ मैं आपको। सब्जेक्ट को इतना ध्यान रखो, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल आइडिया किसी सेंटेंस का। दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, तो ये हो सकता है आपका कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं, इज एम आर बी हैज हैव, ये सभी की सभी क्या होती हैं, ये सभी की सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखूं,
जिसे मैं बोल सकता हूँ मैन वर्ब, मैन वर्ब। अगर मैं ध्यान से देखूँ मैन वर्ब, तो किसी भी दुनिया के सेंटेंस में जब आप मैन वर्ब को लिखते हो तो वो मैन वर्ब आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक्शन को। अब मैं अगर इसे कुछ फॉर्म्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वर्ब की, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ईट्स। ठीक है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा हुआ सेकंड फॉर्म, ये हुआ थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, और ये कौन सा हुआ फिफ्थ फॉर्म। ध्यान से देखना, फोर्थ फॉर्म को कुछ राइटर इस तरह से लिख देते हैं, आई एन जी फॉर्म भी बोल देते हैं उसे, क्या बोल देते हैं आई एन जी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को आप लोग आई एन जी भी बोल सकते हो, और फिफ्थ फॉर्म जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आप एस या फिर ई एस भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा ई एस फॉर्म भी बोल सकते हो, और फोर्थ फॉर्म को आप आई एन जी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी मैन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लास्ट चीज़ इसमें जो आती है वो आती है आपकी क्या, ऑब्जेक्ट। वो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट दो पार्ट में आपको चीज़ें मिलेंगी ऑब्जेक्ट की। पहला आपको इस ऑब्जेक्ट में मिलेगा सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, और दूसरी आपको चीज़ मिलेगी इसमें वर्ब की इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट और वर्ब की इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाए, समझ जाना आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिर अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मैंने लिखा हुआ है वर्ब। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर लिखता हूँ अगर मैं रवि प्लेज क्रिकेट, अब प्लेस को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये अपने आप में वर्ब हुआ, रवि को देखूँ ध्यान से तो ये तो सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखो क्रिकेट यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखें तो ये तो ऑब्जेक्ट है। अभी अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के पास में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट की और किसकी, वर्ब की। देखो कैसे होती है, कोई भी दुनिया का सेंटेंस आप लिख दो, उसमें जो मैन वर्ब होती है, उसमें जो भी आप मैन वर्ब लिखते हो, उस मैन वर्ब का काम होता है एक्शन को रिप्रेजेंट करना। ध्यान से देखो इसे, मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लेज, प्लेज अपने आप में क्या हुई, मैन वर्ब हुई। इस मैन वर्ब का काम इंग्लिश में क्या होता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे रोहन हैज सेंट अ लेटर, रोहन हैज सेंट अ लेटर, इस सेंटेंस में काम किसका हुआ, सेंट करने का हुआ, ठीक है, भेजने का काम हुआ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में काम किसका हुआ, प्ले करने का हुआ, प्लेइंग खेलने का काम हुआ यहाँ पर, ठीक है। आई एम वॉचिंग अ टेलीविजन, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पर काम किसका हुआ, वॉच करने का हुआ, देखने का हुआ। ध्यान से देखो सब्जेक्ट और यहाँ पर मैन वर्ब, यहाँ पर एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है किस चीज़ का, प्ले, खेलने का एक्शन हो रहा है। खेल कौन रहा है, रवि खेल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और उस एक्शन को रिसीव किसने किया, उसे रिसीव किसने किया, उसे किया क्रिकेट ने, इसलिए क्रिकेट यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जो एक्शन था उस एक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, सब्जेक्ट हुआ और मैन वर्ब हुआ। इसी चीज़ को तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसके पास में सब्जेक्ट मिल जाए और वर्ब मिल जाए वही तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया मुझे, वर्ब मिल गया, क्योंकि इस एक्शन को रिसीव किसने किया है, क्रिकेट ने किया है, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है, थैंक यू।